हो नानू, आपको पता है मैं कब से ये इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दू, तुझे समझने में इतनी देर करती मैंने। नहीं नानू, प्लीज माफी मत मांगे। अनुरुद्ध सर, थैंक यू सो मच। मेरे नाना के गुलमोहर ग्रैंड को बचाने के लिए और मुझे भी। और नानू, अनाथ प्लीज थैंक यू मत कहो। जो गलती मुझसे हुई थी ये तो, और वैसे भी ये तो फर्ज है ना मेरा। मुझे जीत ली गुलमोहर ग्रैंड और अब तुम है, ख्याल रखना फर्ज है मेरा। जो अब पूरा हो गया, अब मैं दूर से ही ऐसे ख्याल रख लिया करूं। हो सके तो माफ कर देना मुझे। मिस्टर जेटली अपना ख्याल रखिएगा। अनिरुद्ध, तुम फिर मुझे अकेला छोड़कर जा रहे? तुमने एक गलती की, देर से ही सही, उस गलती को सुधार ली। देखो मैं गुलमोहर अकेला नहीं चला। कंग्रेचुलेशंस मिस अनायता, आई एम रियली ग्लैड कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था अनायता। मुझे पता है। म्यूरी के प्यार को कभी अपना नहीं पाया, लेकिन एनी के साथ वो गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं जानता हूं नील ने एनी को बचाने के लिए क्या नहीं किया। इतनी शिद्दत सिर्फ सच्चे प्यार में ही हो सकती है, और उस प्यार को मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुश रहो। Congratulations to both of you and to all of us. आइए घर चलते हैं। चल चल आओ अनिरुद्ध। मुझसे गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मेघजी भाई। अब तक तो पुलिस तुम्हारी खातिरदारी के लिए पहुंच भी गई होगी। See you soon, मेघजी भाई। होटल का नाम तो बदलेंगे ना भाई। You are under arrest। आपको हमारे साथ चलना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये लोग तो किसी भी मुश्किल से फिर जाते हैं। आने वाले कल में कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं। अभी तक किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ,
इसीलिए जल्दी से यहां से निकल जाते हैं, जैसे हम यहां थे ही नहीं। बाय। पीछे ये मॉम, वो मॉम से बातें करा। ठीक है, प्रमोशन मेरा। यस माय ब्रो, तुम्हारा प्रमोशन। यू डिजर्व इट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तूने सच में कमाल कर दिया। अनिरुद्ध सर ने खुद ही लेटर साइन करके तुम्हारे लिए भिजवाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी और गुलमोह ग्रैंड की मदद करने के लिए तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम मिल रहा है। दिस इज अमेजिंग। तुमसे कुछ पूछना था। यू गॉट अ मिनट? श्योर। मुझसे शादी करोगे? नो। मुझसे शादी करोगे? अरे यू करोगे? ऑफकोर्स। आई मीन मैं तुम, आई कांट बिलीव दिस। तुम मजाक कर रही हो। I'll marry you. Of course I'll marry you. I can't believe it. Congratulations. Thank you. तुम उस जगह वापस आ ही गए जहां से शुरुआत की थी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पैशन। एक बात कहूं पहले, हमारे बीच जो भी हुआ उसकी उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, मेरी। मेरे गुरमोर ग्रैंड को कभी ब्लेम मत करना। ओह नो, नेवर। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी नाउ कि तुम भी खुश हो। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्ती की शुरुआत। व्हाट्स इट? सो फ्रेंड, एक दोस्त को दूसरी दोस्त की जिद माननी चाहिए। कैसी जिद? तो माननी पड़ेगी। क्या? तो आपका ये दोस्त ये चाहता है कि आपकी शादी यहां करवाना चाहता हूं, गुलमोर ग्रैंड में। व्हाट? पिछली बारी से ज्यादा ग्रैंड चाहिए। शट अप। बी हैप्पी। आई विल। निखिल से हेलो। क्या ख्याल रखना। बाय बाय। श्रेया, कांग्रेचुलेशंस सर, आपको इतने दिनों बाद खुश देखकर अच्छा लगा। और पल्लवी मैम के साथ भी सब ठीक हो गया। आई एम हैप्पी फॉर यू। हाँ, पल्लवी ने मेरी बात मान ली। पल्लवी मेरी फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड अनिरुद्ध की बात मान ली। अनिरुद्ध चाहता है कि वो पल्लवी की शादी निखिल के साथ यहाँ गुलमोहर ग्रैंड में करवाए। That's great news, sir. तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है मिस्टर जेटली से सीखा है। कल एक और बड़ी सीख दी उन्होंने मुझे। वो कह रहे थे कि जब कोई किसी के लिए कुछ करता है शिद्दत से, बहुत करता है, तो उसके पीछे सिर्फ सच्चा प्यार होता है। तो न जाने क्यों सामने आ गया, क्योंकि जितना तुम मेरे लिए करती हो श्रेया, और जिस शिद्दत से करती हो, वो तो
मैं कभी किसी ने किया ना, मुझे लगा नहीं था मैं दोबारा किसी का हाथ पकड़ के ऐसे। देखो मुझसे शादी करोगी तो फायदे में रहोगी, वक्त के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वैसे भी एक दिन में 25 घंटे तुम मेरे साथ रहती हो। और छुट्टी भी नहीं मिलती। छुट्टी चाहिए? नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।